हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज गेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आईटी कानपुर करा रही है, तो हम लोग सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम छूट चुका है, बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। भैया, एग्ज़ाम आपका कैसा आया था आज? एग्ज़ाम कैसा आया था भाई? एग्ज़ाम तो ठीक था भैया। तो जैसे कि पेपर वन कैसा था? पेपर वन यानी एप्टीट्यूड यानी वही था, इंग्लिश ज़्यादा पूछ लिए थे। इंग्लिश ज़्यादा, मैथ के क्वेश्चंस नहीं आए थे ज़्यादा? मैथ्स के क्वेश्चन यानी एप्टी में 10 में से यानी चार थे। और जो आपके सब्जेक्टिव पेपर था वो कैसा था, कैसा डिफिकल्टी लेवल था? अब मेरा प्रिपरेशन तो यानी बहुत कम समय का था, तो हमने उसमें क्या ही बता सकते। चलिए, थैंक यू भैया। सर, आपका नाम? विट्ठल वाजपेयी। तो सर, जो आपका जो एग्ज़ाम था वो कैसा आया था? लेंदी था, मतलब थोड़ा लेंदी था। तो आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे थे? हम सी एस से। तो जैसे पेपर वन आता है, पेपर वन में जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे वो कैसे आते? ठीक थे, इजी थे। मतलब जो मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो कितने आए थे? 5-6 के आसपास होंगे आए थे। और जो आपका जो आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था वो कैसा लेवल था उसका? ठीक था, लेंदी था। ओके, थैंक यू। भैया, आपका नाम? शिवम। तो जैसा कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया? सी एस से। तो पेपर वन का लेवल कैसा था? पेपर एवरेज था। मैथ के क्वेश्चंस कैसे थे? अरे, मुझे मैथ नहीं आती भाई। अच्छा, तो जैसे कि आपका जो सी एस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था उसमें कैसा लेवल लगा आपको एग्ज़ाम देने में? ठीक ठाक था, मुझे लग रहा था मैं पढ़ लेना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर था। पहले था निकल जाते था। निखिल चौधरी से। तो जैसे आपके हिसाब से जो पेपर वन था वो कैसा आया था? सर, अच्छा था। पेपर बेसिक था और थोड़ा कंप्यूटर साइंस का जो पेपर था थोड़ा। जैसे कि एप्टीट्यूड में मैथ के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? मैथ 3 था। 10 क्वेश्चन थे। तो आपके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट सीएस था उसमें से कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे? क्वेश्चन सीएस का ठीक था, एक दो क्वेश्चन जो मैथ का था थोड़ा डिफिकल्ट था और बेसिक था। 10 क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का पूछ लिया, सीपीयू जीपीयू पूछ लिया, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था। और मैथ का था, मैथ का एक दो क्वेश्चन था जो फंस रहा था थोड़ा, और मैथ बेसिक में क्वेश्चन। ओवरऑल जो क्वेश्चन की बात करें, कैसा था पेपर, टफ था या नॉर्मल? नहीं, टफ नहीं, नॉर्मल कह सकते, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा नॉर्मल था बस। तो जैसे कि मॉक टेस्ट जैसे बच्चे लगाते हैं उससे क्या इफेक्ट? हाँ, अगर मॉक टेस्ट बच्चा अच्छा दिया होगा, रेगुलर मेहनत किया होगा तो अच्छा पेपर जाएगा उसका। थैंक यू सर। वेलकम सर। अक्षय बनकर। तो जैसे कि आपके साथ, आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने आए थे? कंप्यूटर साइंस सीएस से। तो आपके हिसाब से पेपर वन कैसा आया था? पेपर वन सही था, इजी था। मैथ के क्वेश्चंस कितने आए थे उसमें? मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे इतने एनालाइज नहीं किए, बट आई थिंक 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चन। और जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था उसमें कैसा, बहुत टफ आ रहा था या नॉर्मल? टफ नहीं था, मीडियम था। मीडियम था। अच्छा, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे उसमें मॉक टेस्ट लगाने से बच्चे का क्या इफेक्ट हुआ? मॉक टेस्ट लगाने से बहुत यूज़ होता है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो चलिए, तो आपका ओवरऑल पेपर कैसा लगा हुआ? अच्छा था। थैंक यू भैया। थैंक यू। वैसे नाम भी आपका? देवांशु सिंह। तो जैसे कि आपने जो कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया आज? कंप्यूटर साइंस सीएस। तो आपके हिसाब से जो पेपर वन था वो कैसा आया था? पेपर वन आसान था, दोनों पेपर आसान थे। नहीं, तो जो पेपर वन में मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो लगभग कितने थे? 10 थे स्टार्टिंग में। 10 थे? नहीं, मैथ के नहीं वैसे, और नहीं 10 मैथ के कम होंगे। मैथ नहीं, मैथ के सेक्शन बी में भी थे, बल्कि दोनों में थे। अच्छा, दोनों। तो जैसे कि आपने सीएस का जो सब्जेक्टिव लेवल एग्ज़ाम दिया वो कैसा लगा था, टफ था या नॉर्मल? आसान था, कैसे देखा जाए तो आसान था। तो मॉक टेस्ट लगाने का क्या इफेक्ट पड़ा होगा आज एग्ज़ाम में? मॉक टेस्ट मैंने लगाए नहीं थे वैसे। अच्छा, आपने नॉर्मल डायरेक्ट किया? नहीं, अभी मेरे एग्ज़ाम खत्म हुई ना, AKTV के, अभी 21 को फाइनल था अभी, उसके बाद फिर 2 दिन पहले प्रैक्टिकल खत्म हुआ है 3 तारीख को। ओवरऑल मतलब आपके हिसाब से लेवल टफ नहीं था? टफ नहीं था, आसान था थोड़ा। पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, पेपर बहुत आसान था, और जिस हिसाब से IIT कंडक्ट पेपर कराती है उस हिसाब से बहुत मतलब सरल पेपर था। मतलब ओवरऑल इस बार IIT कानपुर ने कंडक्ट कराया एग्जाम को, तो आपके हिसाब से पेपर टफ नहीं था? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं था और मॉडरेट था। मॉडरेट था, मॉडरेट। किस सब्जेक्ट से एग्जाम दिया? कंप्यूटर साइंस। तो पेपर वन आपको कैसा लगा, बहुत टफ आया था कि नॉर्मल? मॉडरेट था। सब्जेक्टिव में भी मॉक टेस्ट लगाने का क्या इफेक्ट पड़ा होगा आज एग्जाम में? अगर मॉक टेस्ट जिसने अच्छी से तैयारी करी होगी उसकी अच्छे नंबर आएंगे, लगभग 50-60 अचीव कर लेगा अगर उसने मॉक टेस्ट लगाया होगा। मतलब जो पढ़ के आया उसके हिसाब से पेपर जो था वो मॉडरेट था? हाँ, मॉडरेट था। ओके, थैंक यू। विजय सिंह पटेल है। तो आप किस सब्जेक्ट से एग्जाम देने आए थे? हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या? ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आपने जो एग्जाम दिया पेपर वन आपको कैसा लगा? पेपर वन बहुत अच्छा था, ईजी था, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था, पूरे 12 सब्जेक्ट से। जनरल एप्टीट्यूड बहुत आसान था।
तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो कैसे आ रहे थे, बहुत टफ थे या मॉडरेट? नहीं, टफ नहीं थे, मॉडरेट ही थे। तो ओवरऑल आपके हिसाब से अगर कहें तो जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल था? मॉडरेट लेवल था, हाँ। इजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। मैम, आप किस सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे थे? कंप्यूटर साइंस। तो आपके हिसाब से पेपर कैसा था? मॉडरेट था। तो जैसे कि पेपर वन था वो बहुत टफ तो नहीं था? नहीं। ओके, थैंक यू। ये बताएगा, चलिए। भैया, नाम आपका? दीपक प्रजापति। तो आप कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिए थे आज? सी एस था। तो पेपर वन आपका कैसा आया था? पेपर वन सही था, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड था। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? हाँ, ये फर्स्ट अटैम्प्ट। तो आपने मॉक टेस्ट के हिसाब से अगर कहें तो कैसा पेपर था? थोड़ा टिपिकल था, मतलब उतना भी इजी नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। हाँ, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो ऐसा लग रहा था प्रीवियस ईयर से कुछ आए थे या? हाँ, प्रीवियस ईयर से थोड़े बहुत थे जी। तो बाकी मॉडरेट लेवल था। हाँ, दो तीन अगर क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व कर लेगा हाँ तो इजीली वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सर आप इजी से थोड़ा सा हार्ड होगा, बस हार्ड, मतलब इजी से हल्का सा, मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट आराम से। आपके हिसाब से जो पेपर था वो जैसे कि उसमें से कैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? प्रीवियस ईयर से थे, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज थे, कॉन्सेप्ट वाइज थे। तो आपने प्रीवियस ईयर कर रखा अच्छे से तो आप फोड़ देते। प्रीवियस एग्जैक्ट देखा जाए तो उससे थोड़ा इजी कह सकते हो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन थे, मतलब इजी थे। और फिर अगर तुमने पूरा कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो शायद अच्छा होता है। एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन आ रहे थे, वो कैसे आ रहे? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान थे, बहुत आसान थे। इतना वो नहीं कराता एक्सेप्ट, कितना आसान आ जाएगा एप्टीट्यूड पर, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस भी तुम कर सकते हो ना। अच्छा, उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड में जो 2 मार्क्स ही होते हैं, वो कैसे? नहीं, उसमें मैथ भी थी, आपके एप्टीट्यूड भी था, इंग्लिश वाले भी थे, सब थे, मतलब नहीं कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, मीनिंग वर्ड मीनिंग टाइप आते हैं, वर्ड मीनिंग टाइप आते हैं। जिसने मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए वो आसानी से, बहुत प्यार से, जिसने मतलब जिसने सही से 50-60% भी मेहनत करी होगी ना वो आराम से कर देता पेपर, इतना आसान था पेपर। तो आप लोगों का सबका जो एग्जाम था वो कैसा गया है? बढ़िया गया, सही गया, बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम था आप लोगों का? फर्स्ट टाइम था हमारा, तो फर्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। थैंक यू। भैया, 2-4 क्वेश्चन इससे भी कर लीजिए, इन लोगों से भी, हम लोग भी आ जाएंगे। हाँ, तो आप लोगों ने सब्जेक्ट सीएस से एग्जाम दिया है? हमारा सीएस था। तो जो पेपर का पेपर वन था एप्टीट्यूड, वो कैसा लगा? एप्टीट्यूड काफी अच्छा था, मतलब बढ़िया था पेपर। एक दो छोड़ के बाकी जी कुछ। फर्स्ट टाइम था आप लोग? हाँ, फर्स्ट टाइम था। तो जैसे कि सीएस से जो एग्जाम दे रहे थे आप लोग, तो आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे प्रीवियस? हाँ, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाया था हम लोगों ने। उसके हिसाब से पेपर कैसा था? पेपर लॉजिकल बेस्ड था, लॉजिकली बेस्ड था पेपर, मतलब अगर पढ़ के आए हो तो फोड़ सकते हो। मतलब ये था कि ज्यादा फॉर्मूले का यूज हो रहा है कहीं पर, ज्यादा फॉर्मूले का भी यूज नहीं था। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आराम से हो जाता है। मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, ना तो टफ था ना इजी ना, पढ़ के आया उसके लिए मॉडरेट लेवल का था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। ओके भैया, जय श्री राम। चैनल भी कॉम्पिटिशन वाले आप लोग। तो जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पर आए और बच्चों से रिव्यू लिया, तो जो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के आ रहे थे तो उनके हिसाब से जो पेपर था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का था। बहुत बच्चों ने बताया कि इजी था, कुछ बता रहे बहुत टफ था, मतलब जो प्रिपरेशन सही से नहीं करके आए उनके लिए टफ लगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को, कॉम्पिटिशन वेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।